बलरामपुर गैसडी नगर पंचायत अध्यक्ष प्रिंस वर्मा जी जनता का आभार प्रकट किया और बधाई दी। जनता ने मुझे सेवक समझकर मुझे इस पद पर बिठाया है। मैं उनका सेवक बनकर जनता की सेवा करता रहूंगा। नगर पंचायत के अंतर्गत जो भी लाभ प्राप्त होगा वो आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप बताइए, नगर अध्यक्ष गैसडी बाकायदा आपको चुना गया जनता के बीच में, जबकि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर सामने आए हैं। इससे पहले आप प्रधान भी रह चुके हैं, इस पे आपकी राय क्या है? जनता के प्रति आपका झुकाव क्या है या जनता का आभार कैसे, आप इसके बारे में कुछ जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताइए। सबसे पहले नगर पंचायत गैसडी की जनता को सादर प्रणाम, और गैसडी की जनता ने जो हमको अपना आशीर्वाद सहयोग दिया है, मैं उनको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और ये चुनाव विकास की जीत है, विश्वास की जीत है। जनता ने एक ऐसे जनसेवक को चुना है जिन्होंने लगातार 10 वर्षों तक उनकी सेवा की है। उनके सुख दुख में मैंने पहुँच करके और जो मेरे लायक हमेशा भरपूर संभव सहयोग रहता था मैं करता था, और आज उसी सहयोग का फल मुझे भी मिला है कि जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दे करके और मुझे नगर पंचायत अध्यक्ष बना करके अपना सेवक बनाया है और मैं उनकी सेवा करूँगा। और सर, आपका चुनाव निशान भी गदा था जिससे आप ने विरोधियों को परास्त कर दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बजरंगबली का गदा था और इन्होंने पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में विरोधियों की नींद उड़ा दी, और चुनाव चिन्ह और बजरंगबली की कृपा से और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूं और जनता की सेवा करूंगा। सर, आपकी योजनाएं क्या क्या हैं? आप अपने नगर क्षेत्र का विकास किन किन चरणों द्वारा या किन किन योजनाओं के द्वारा सम्मिलित करेंगे या कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारे क्षेत्र के मूलभूत समस्याएं हैं, पूरे नगर पंचायत का सर्वांगीण विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। शुद्ध पेयजल पूरे नगर पंचायत में पहुँचे, शिक्षा का जो भी स्तर अभी थोड़ा क्षेत्र में धीमा है उसको अच्छे ढंग से सही करना है। स्वास्थ्य के बारे में हमारे क्षेत्र में जो भी अस्पताल देखते रहिए, DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।